तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 12th जनरल इंग्लिश चैप्टर 13 की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमारा चैप्टर 13 है फॉरेस्ट एंड रिवर, वन और नदी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेन एंड कॉपी साथ रख कर बैठें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग मैं बताऊँ आपको वो आप नोट डाउन कर सकें, इससे आपको क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द फॉरेस्ट एन बी द रिवर। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है एन बी का मीन्स होता है ईर्ष्या। तो वन नदी से क्यों ईर्ष्या करता है? इसका आंसर है हमारा, द फॉरेस्ट इज इनवियस ऑफ रिवर बिकॉज द रिवर इज ऑलवेज ट्रेवलिंग व्हाइल द फॉरेस्ट इज जस्ट अ कैप्टिव चेंड टू अर्थ। कैप्टिव यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है बंदी। तो वन नदी से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह हमेशा यात्रा करती रहती है, रिवर इज ऑलवेज ट्रेवलिंग, जबकि वह स्वयं धरती से जंजीरों से बंधा है अर्थात स्थिर है। फॉरेस्ट इज जस्ट कैप्टिव चेन टू अर्थ, स्थिर है और जंजीरों से बंधा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर। तो किंगडम यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, किंगडम मीन्स होता है राज्य। तो जल का राज्य क्या है? सी इज द किंगडम ऑफ वाटर, समुद्र जल का राज है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना है। व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, जल का राज्य क्या है? सी इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, समुद्र जल का राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कंप्लेन अबाउट इट्स लाइफ। वन की अपने जीवन के बारे में क्या शिकायत है? कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत। तो इसका आंसर है हमारा, द फॉरेस्ट कंप्लेन अबाउट इट्स लाइफ इज़ दैट इट इज़ द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी। वन अपने जीवन के बारे में यह शिकायत करता है कि उसकी जो जीवन है वो बंदी लोगों की तरह है। इट ग्रोस इन साइलेंस एंड डाइस ऑल्सो इन साइलेंस, यानी कि वह नीरवता में आरंभ होकर नीरवता में ही समाप्त हो जाता है। एट द एंड नथिंग इज लेफ्ट एक्सेप्ट हैंडफुल ऑफ एशेस, और अंत में मुट्ठी भर राख के बिना कुछ भी नहीं बचता है। तो व्हाट इज द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ, फॉरेस्ट अपनी लाइफ के बारे में क्या कंप्लेंट करता है? तो फॉरेस्ट कहता है, द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ इट इज द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी, उसकी लाइफ बंदी की लाइफ की तरह है। इट ग्रोस इन साइलेंस एंड डाइज ऑल्सो इन साइलेंस, उसका आरंभ नीरवता में होता है और नीरवता में उसका अंत हो जाता है। एट द एंड नथिंग इज लेफ्ट एक्सेप्ट हैंडफुल ऑफ एसेस, अंत में मुट्ठी भर राख के बिना कुछ भी नहीं बचता है। हाउ डज द रिवरेज द फॉरेस्ट, नदी वन की किस प्रकार प्रशंसा करती है? प्रेस यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ, इसका मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो द रिवर प्रेसेज द फॉरेस्ट एंड सेज दैट इट इन्जॉयज सेक्लूशन ऑफ लिविंग एमराल्ड एंड इज इल्यूमिनेटेड बाय मूनलिट नाइट्स एवरी ईयर इट ग्रोज इन टू अ न्यू लाइफ। इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, उनकी हम मीनिंग देख लेते हैं। सेक्लूशन मीन्स होता है तन्हाई, एमराल्ड यानी होता है पन्ना, इल्यूमिनेटेड यानी प्रकाशित, मूनलिट यानी चांदनी से भरा। तो नदी बन की ये कहकर प्रशंसा करती है कि वह अपने जीवन पन्ने के एकांत का आनंद उठाता है और चांदनी रातों से रोशन होता है। हर वर्ष वह नए जीवन को प्राप्त करता है, एवरी ईयर इट ग्रोस इन टू अ न्यू लाइफ। द रिवर प्रेसेज द फॉरेस्ट एंड सेज दैट इट इन्जॉय सेक्लूशन ऑफ लिविंग एमराल्ड एंड इज इल्यूमिनेटेड बाय मूनलिट नाइट्स एवरी ईयर इट ग्रोस इन टू अ न्यू लाइफ। तो इस प्रकार जो हमारी नदी है वो वन की प्रशंसा करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस। जो नदी है वो अपनी यात्रा को किस प्रकार अर्थहीन मानती है? तो इसका आंसर है हमारा, द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज इट रन्स अवे फ्रॉम हियर एंड देयर इन बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब होता है घबराहट। तो नदी कहती है नदी को अपनी यात्रा अर्थहीन लगती क्योंकि वह कुछ नहीं परंतु भ्रम में इधर उधर भागती रहती है, विथाउट ए मूवमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, बिना एक पल की शांति और आराम के। द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज इट रन्स अवे फ्रॉम हियर एंड देयर इन बिवल्डरमेंट, घबराहट में इधर उधर भागती रहती है, विथाउट अ मूवमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, बिना एक पल की शांति और आराम के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे
डज द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट द डिलेमा ऑफ अ पासर। तो इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, डिलेमा यानी होता है हमारा दुविधा, रिफ्लेक्ट्स यानी होता है दर्शाना। इन वॉट वे डज द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट द डिलेमा ऑफ अ पासर बाय। तो किस तरह से नदी और जंगल के बीच का वार्तालाप एक गुजरते हुए व्यक्ति को असमंजस में डाल व्यक्त करता है, हमें बताना है ये। द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट द डिलेमा ऑफ अ पासर बाय बिकॉज ही इज ऑलवेज इन द कन्फ्यूजन दैट वॉट इज बेटर। नदी और वन के बीच का वार्तालाप गुजरते व्यक्ति को असमंजस में डाल देता है क्योंकि वह हमेशा इस भ्रम में रहता है कि क्या बेहतर है। ही इज अनेबल टू डिसाइड दैट वेदर टू स्टे एट अ प्लेस एंड एन्जॉय द कामली और टू कीप रनिंग हेयर एंड देयर मीनिंगलेस इन सर्च ऑफ इट। वो सोचता रहता है, वह निर्णय करने में असमर्थ है कि क्या उसे एक स्थान पर रहकर जीवन को शांतिपूर्वक आनंद लेना चाहिए या आनंद की तलाश में यहाँ से वहाँ व्यर्थ में भागते रहना चाहिए। तो जो गुजरता हुआ व्यक्ति होता है उसको असमंजस में डाल देता है। इन दोनों की जो डिस्कशन होती है कि वो सोचता है कि कौन किसकी लाइफ बेटर है, एक जगह पर स्थिर रहना या फिर आनंद में यहाँ से वहाँ भागना। द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट द डिलेमा ऑफ अ पासर बाय बिकॉज ही इज ऑलवेज इन द कन्फ्यूजन दैट वॉट इज बेटर। वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि क्या अच्छा है। ही इज़ अनेबल टू डिसाइड, वह डिसाइड नहीं कर पाता दैट बेदर टू स्टे एट अ प्लेस एंड एन्जॉय द लाइफ कामली और टू कीप रनिंग हेयर एंड देयर मीनिंगलेस इन सर्च ऑफ इट। वह निर्णय करने में असमर्थ रहता है कि उसे एक स्थान पर रहकर जीवन का आनंद लेना चाहिए या उस आनंद व शांति की तलाश में यहाँ से वहाँ भागना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।